आम जनता ज़्यादा सर्वाइव कर रही है, उनको बहुत परेशानी हो रही है, तो आप किस तरह से उनको हेल्प कर रहे हैं और विपक्ष के तौर पे आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें तो एकदम क्लियर हो गई हैं। पहली बात, अभी जनता समझ चुकी है कि ये जो नोटबंदी की गई है, इसे करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो नज़दीकी लोग थे उनको खबर थी इस बात की, और इसके एक नहीं बहुत सारे प्रमाण हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने जो पदाधिकारी हैं उनके पास नोटबंदी के हफ्ते भर पहले नोटों का बंडल उन्होंने खुद जोश में आवेश में आके अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर शेयर किया हुआ है। बीजेपी की वेस्ट बंगाल की यूनिट जो है नोटबंदी के ठीक पहले करोड़ों रुपये जमा कर देती है बैंक अकाउंट में। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो अब ये स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा की जो नज़दीकी लोग हैं, देखिए दो तरह के लोग हैं, एक वे लोग हैं जिनके पास काला धन है, एक वे लोग हैं जिनके पास काला धन नहीं है। जिनके पास काला धन है वो दो प्रकार के हैं, एक ऐसे जिनकी सेटिंग बीजेपी से है और एक ऐसे लोग हैं जिनकी सेटिंग किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जिन लोगों की नज़दीकी है उनको पहले से पता था, और जिनकी नहीं थी वो अब कमीशनखोरी का धंधा चल रहा है आराम से, तो 80-20 करके जो है वो अपना कन्वर्ट करा रहे हैं और लोगों में तो एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट कर दी है कमीशनखोरी की भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों के नेटवर्क को बिछा करके। तो ये अब सबको क्लियर चुका है। दूसरा कि करना है, अच्छी बात है, हमने तो कहा कि भाई आप इसको फिलहाल जिस रूप में आपने इम्प्लीमेंट किया वो बहुत ख़राब है, बहुत गलत है। जो लाइनों में खड़ा है वो काला धन वाला नहीं है, वो रिक्शे वाला है, वो सब्जी वाला है, वो दिहाड़ी मजदूर है, वो एक बूढ़ी माँ है, एक बहन है छोटी सी, एक गृहिणी है, ये सारे लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं ये काला धन वाले नहीं है, रोज़ कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं। इसके उलट ये तो 2% 1% लोग हैं, इसके उलट जो 99% यही हैं, इसके उलट जो 1-2% लोग हैं उनसे आपकी दोस्ती है। पवार साहब के साथ आप घूम रहे हैं, अंबानी के साथ घूम रहे हैं, अदानी के साथ घूम रहे हैं, तो उनका काला धन आपको लेके आना चाहिए। पनामा की लिस्ट, आपके लीक्स की लिस्ट आपके पास पड़ी हुई, स्विस बैंक अकाउंट की लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है, बैंक लोन जो डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने कई लाख करोड़ रुपए बचा लिए इस देश की जनता के, उनकी लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है। वहाँ से जो आपको लेना है वो आप नहीं ले रहे हैं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं, ये दूसरी बात सभी लोगों को क्लियर हो चुकी है। हमारी गुजारिश छोटी सी ये है कि अभी जिस रूप में योजना लागू करने की कोशिश की जा रही है बेहद गलत है, इसे अभी रोक देना चाहिए। ये डीमोनेटाइजेशन का जो प्लान है, जो स्कैम है, इसको वापस ले, वो सोचें समझें अच्छे से, इसको प्लान आउट करें। हम सब साथ देंगे, देश में काला धन यदि है और उसके खिलाफ लड़ना है हम सब उसके साथ हैं, बल्कि भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ हमसे तेज़ आवाज़ कोई इस देश के अंदर है नहीं, तो हम सब इसके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से लागू की जा रही है आम आदमी को परेशानी हो रही है। हम माननीय मोदी जी से गुजारिश कर रहे हैं अपने राजनीतिक अहंकार को किनारे रखिए, देश की आम जनता के बारे में सोचिए। अपने दोस्तों का भला कर दिया आपने, अब इस देश की जनता का भला करिए। नमस्कार।